खबर दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पर नागरिकता कानून को लेकर के जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और टीचर्स का ये प्रदर्शन जो कि हिंसक होता हुआ दिख रहा है सामने आ रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ा कि 3 बसों में आग लगा दी गई, जमकर तोड़फोड़ की गई, प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जामिया के सारे रास्ते इस वक्त बंद हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ये जामिया नगर की तस्वीर, जामिया नगर इलाका जिसे आप देख रहे हैं, जलता हुआ जामिया नगर, जलती हुई बसें, जहां पर ये देखिए सिक्योरिटी के दस्ते तैनात हैं, बस में आग लगाई गई है, धू धू करके बस पूरे तौर पर जल रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अब ठोस कदम उठाने की तैयारी है। जामिया के रास्ते यानी कि जामिया नगर इलाका और जामिया यूनिवर्सिटी के चारों तरफ से जो रास्ते हैं, उन रास्तों को बंद किया जा रहा है ताकि वहां पर आवाजाही बाहर से किसी के ना हो सके और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। जामिया नगर का यह पूरा इलाका, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सामने की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त रोड पूरे तौर पर सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, अब पुलिस ने वहां से छात्रों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये देखिए DTC की बसें हैं, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक में जो कि देख रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी के बीच से जो रास्ता गुजरता है, यानी कि होली फैमिली और स्कॉट की तरफ से जो रास्ता सीधा जामिया नगर को जाता है और जामिया यूनिवर्सिटी के बीचों बीच से जो रास्ता जाता है, यहाँ पर कुछ इस किस्म से हंगामा दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, हंगामे की हिंसक तस्वीरें जिसमें बसों में तोड़फोड़ की गई है और बसों को आग के हवाले कर दिया गया है। DTC की दो बसें आप देख रहे हैं जिसे तोड़ा गया और जिनमें आग लगा दी गई है। और ये दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि छात्रों को वहां से हटाने के पूरे तौर की जो कवायद रही है, उसमें अब पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है, यानी कि वो जगह खाली करा लिया गया है। और ऐसे में इस झड़प के बीच में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की डिमांड या मांग कि सरकार ने जो कदम उठाया है धर्म के बुनियाद पर नागरिकता देने का, वो गलत है। ऐसे में सरकार ने ताकत और आंकड़ों के बुनियाद पर दोनों सदनों से बिल पारित करा लिया, कानून तो बना दिया, मगर ये देश हित में नहीं है, देश को बांटने वाला है, ये तर्क है जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का। फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियां, दमकल कर्मी, न सिर्फ बसों में आग तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, बल्कि ये देखिए तस्वीरें, वहां पर प्राइवेट व्हीकल्स को भी तोड़ा गया, उनमें आग लगाई गई, जिसमें कार हैं, मोटरसाइकिल्स हैं और दूसरी ऐसी तस्वीरें हैं। ये देखिए पूरे तौर पर आवाजाही को रोकने की कोशिश, ये दूसरी तस्वीर, हम आपको दो तस्वीरें कुछ अलग अलग कैमरों के जरिए से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा वन की ये तस्वीर जिसमें बसों के साथ साथ मोटरसाइकिल्स और आम गाड़ियों को भी हिंसा के हवाले किया गया। दूसरी तस्वीर जिसमें एक और बस जली हुई खड़ी दिख रही है। कैमरा नंबर दो की ये तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं, और वहां पर अब किसी की भी आवाजाही इस वक्त हो नहीं पा रही है जामिया नगर इलाके में, चूंकि ये जो पूरा इलाका है आप देखें महारानी बाग से लेकर के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बाई तरफ, यानी कि यमुना नदी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बीच का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है। और ऐसे में छात्रों का यह हिंसक प्रदर्शन जिसे किसी भी तरीके से जायज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लोग किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध करना या सपोर्ट करना सबका हक है, मगर उसके तौर तरीके अपने होते हैं।